अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लखनवी किचन। आज हम ये फ़िश टिक्का बनाने जा रहे हैं तवे पे। इसके लिए हमने ये 500 ग्राम फ़िश ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें कोई भी काटा नहीं है, इसकी स्किन भी निकली हुई है, स्किन को हटा दिया गया है। तो इसको हमने बेसन और कड़वे तेल से अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर इसको ड्रेन करने के लिए छन्ने में रख दिया है। ये कुछ गरम मसाले हैं, ये लौंग है 4, 3 इलायची छोटी, थोड़ी सी जावित्री, एक बड़ी इलायची और ये एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, ये एक लाल मिर्च है सूखी वाली, ये ज़ीरा है आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और ये आधा चम्मच काली मिर्च के दाने हैं। अगर आपके पास गरम मसाला पिसा हुआ हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लाल मिर्च है इसके जगह पर आप चिली फ्लेक्स यूज़ कर लें या एक लाल मिर्च को थोड़ा सा रोस्ट करके उसको भी पीस लें। और इन सब मसालों को हल्का सा रोस्ट करना है, इसकी जगह पर आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने आटा लिया है चावल का, इसको हमने घर पे ही बारीक पीस लिया है। ये कॉर्नफ्लोर है 2 चम्मच, ये बेसन है 2 चम्मच, 1 चम्मच नमक, चाट मसाला आधा चम्मच, आधा चम्मच ये भुना जीरा पाउडर है, ये हमारा धनिया पाउडर है 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। लाल मिर्च अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है और ये एक बड़े नींबू का रस लिया है, अगर आपका छोटा है तो आप 2 नींबू का रस ले लें। अब हमने एक ये मिक्सिंग बाउल में इसको डाल लिया है सारी फिश को, इसके ऊपर हम ये मसाले डालेंगे। नींबू का रस डालेंगे और ये जो हमने नमक मिर्च और चाट मसाला लिया था इसको भी इसमें डाल देंगे। अब अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि ये अंदर इसके अंदर मसाला सारा चला जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें ये बेसन वगैरह डालेंगे। पहले सिर्फ मसालों से ही मिक्स कर लीजिए। देखिए सारी फिश पे अच्छे से मसाला कोट हो गया। अब हम इसमें ये जो हमने भुना जो मसाला गरम मसाला लिया था उसको भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये जो हमने 1 चम्मच भर के लिया था इसको डालेंगे। अब थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर जो हमने लिया था अभी 1 ही चम्मच इसमें हम डालेंगे। थोड़ा सा बेसन डालेंगे, देखिए थोड़ा सा हमने अभी बचा लिया है इसमें। ये चावल का आटा जो है इसको भी हम डाल लेंगे, इससे ये बहुत कुरकुरी बनेगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्रंची आएगा।
ये 1.5 चम्मच हमने चावल का आटा इसमें डाल दिया है। इस टाइम अगर नमक मिर्च आपको कम लगे तो आप थोड़ा अपने हिसाब से बढ़ा लें इसमें। ये देखिए अच्छे से कोटिंग इस पे हो गई है। ये देखिए एक पैन में हमने ये सरसों का तेल ले लिया है, जो मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं। इसमें ये 2-4 दाने हमने मेथी के डाल दिए, इससे तेल की खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम इसमें ये अपने ये टिक्के डाल देंगे। मैरिनेशन करने के बाद 10-15 मिनट रख दें इसको, और फिर उसके बाद फ्राई कर सकते हैं। और इसको आसानी से बना के अपने फ्रिज में आप रख दीजिए और 1-2 दिन तक ही आराम से ऐसे फ्राई कर करके खाते रहिए। ये देखिए एक तरफ से ये हो गए हैं, इसको मैं ऐसे पलट देंगे। आप अगर चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये डीप फ्राई भी आसानी से हो जाएंगे। फिश को इस तरफ से ऐसे ऐसे किनारे कर दें जिससे इसका जो एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा और ये साथ ही में खूब क्रिस्पी भी हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सारी फिश को किनारे लगा दिया है और इसकी गैस ऑफ कर दी है। अब इसको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है, अब इसको हम सर्व करेंगे। देखिए हमारा फिश टिक्का रेडी हो गया है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा काला नमक और लाल मिर्च डाली है, स्प्रिंकल कर दिया है, और इसको हरी धनिया की चटनी और प्याज के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही अच्छी लगती है फ़िश, ज़्यादा ऑयल भी नहीं इसमें जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।